हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग अच्छे होंगे। अब ये जो चैनल है, इसमें जो आने वाली अब वीडियोस आएंगी वो सारी मेरी एक्सपीरियंस से रिलेटेड आएंगी। जो भी मेरे बिज़नेस में एक्सपीरियंस रहा है और जो भी मैंने अब तक एंटरप्रेन्योरशिप में किया है, मैंने बहुत सारे बिज़नेस किए हैं, उन सब का एक्सपीरियंस रहेगा। एंड मैंने बहुत सारे जो जॉब्स भी किए हैं, मैंने काम भी किया है काफ़ी सारा, तो वो सब का एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर करूँगा आप सब लोगों के साथ। एक्चुअली में होता क्या है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि बिज़नेस एक बहुत बड़ी चीज़ है और एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ की आसपास की सोसाइटी है, इन लोगों ने ना एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये है, बिज़नेस ये है, इसके लिए तो पैसा चाहिए, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वो चाहिए। देखिए, बिज़नेस वो भी कर सकता है जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और बिज़नेस वो तो कर ही रहे हैं जिनके पास पैसा है, एग्जिस्टिंग पैसा जिनके पास है, अवेलेबल है, वो लोग काम कर रहे हैं। बट ये नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो बिज़नेस नहीं कर सकते या वो फिर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और एक सीखने का एक जो एक जज्बा होता है वो ज़रूर होना चाहिए। और देखिए, काफ़ी लोग सिखाने वाले हैं। आप YouTube पर जाएंगे, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप गूगल सर्च कीजिए, आप ब्लॉग्स पढ़िए एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। मैं तो बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आप उसकी एक प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि ये काम क्या है, किस तरीके से ये काम होगा। देखो, जब तक आपको उस काम के बारे में पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप वो काम करोगे कैसे? तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप, जाहिर सी बात, देखो अगर नॉलेज नहीं है ना तो पैसा ख़राब करोगे मार्केट के अंदर। सीधा सा फंडा है, पैसा लगाओगे, पैसा बर्न करोगे, पैसे में आग लगाओगे, तब जाके नॉलेज मिलेगा। तो देखो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग हैं जो बिज़नेस में फेल हो चुके, लॉस झेल चुके, तो उनकी बायोग्राफी उठाओ, उनसे सीखो, उनसे समझो उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो वही गलतियाँ आप दोबारा रिपीट मत करो। तो यही सब चलता रहता है। तो यह है कि जो पुराने लोग गलतियाँ कर चुके हैं उनसे सीखना आसान है, ठीक भी है, और वो लोग अपना इंटरव्यूज़ में अपना बताते भी हैं कि हमने ये गलतियाँ की हैं, आप ये सब गलतियाँ मत करो। इसी बीच में ये है कि आपका पूरा एक ओवरऑल एक माइंडसेट एक सेटअप हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है और इस तरीके से करना है। तो ओवरऑल अब इस चैनल पे मैं अब जो आने वाले टाइम में जो वीडियोस डालूंगा, मैं वो यही वीडियोस डालूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस से रिलेटेड आप क्या क्या बेटर कर सकते हैं लाइफ में और किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, ज़ीरो से एक बिज़नेस को कैसे आप बना सकते हैं और कैसे आप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैं बाहर जाके भी शूट करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कोई बिज़नेस कैसे हो रहा है और किस किस तरीके से हो रहा है। ओवरऑल हमारी सोसाइटी में आसपास मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो यूपी का जो एरिया है, ओवरऑल इसमें एक थिंग बन चुकी है कि ये छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी एंड जात पात ये सब जो है वो सब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप कोई जात पात नहीं मानता, साइंस कोई जात पात नहीं मानता। तो ये है कि आप उसमें सीखो, बनो और कुछ बड़े बनो, मेरा एम यही रहेगा। और एक सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये एक मेरी एक मेन फिलॉसफी रहेगी इसमें, कि वो लोग भी बाहर निकले जो बिज़नेस का नाम सुन के डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, करोगे बाबा, ज़रूर होगा।